हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि MI6A बोलो या 6 बोलो, उसकी FRP बाईपास कैसे करते हैं। इस मेथड से बताऊंगा कि आप देखते रह जाएंगे। आप इस वीडियो को मिस मत करना, ज़रा सा भी मिस मत करना। और इसकी FRP बाईपास करके मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं कि अगर MI6 का फ़ोन है आपके पास और जिसकी एंड्रॉयड वर्जन 9 है और दूसरी बात MIUI वर्जन 11 है या 12 है या 10 है, इससे कोई मतलब नहीं। उसकी FRP बाईपास मैं चुटकियों में करूँगा, चुटकियों में। तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो पूरा देखना। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता है, बट मुझे एक हौसला बढ़ता है कि मैं आपके लिए एक अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड करता रहूं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को पूरा देखें। तो यहाँ मैंने इंडिया को सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। अब क्या होता है, यहाँ पर जैसे आप पहुँचेंगे, यहाँ पे कुछ नेटवर्क वगैरह चूज होंगे, ठीक है। वाईफाई के नेटवर्क होते हैं। अगर आपके फ़ोन की वाईफाई ब्लॉक है या फ़ोन का वाईफाई नेटवर्क ख़राब है तो यहाँ पे कुछ सिंबल नहीं आएगा। तो इस फ़ोन का वाईफाई नेटवर्क ख़राब है, मोबाइल से अंदर से दिक्कत है, तो इसमें कोई भी नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो सिंपल से आपको इसमें एक सिम डाल लेनी है जिसका नेटवर्क अच्छा हो, ठीक है। हमने पहले से सिम डाल रखी है तो यहाँ से हम सिंपल से स्किप करेंगे। स्किप करने के बाद यहाँ से एरो लगाएंगे, नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। इसमें कुछ टाइम लगता है। वीडियो को पूरा देखें, अगर वीडियो आप पूरा नहीं देखेंगे तो FRP बाईपास आपकी हो ही नहीं पाएगी। और बहुत ही इजी मेथड से इसकी FRP बाईपास करने वाला हूं। बस आप देखते जाइए कि सिर्फ 2 मिनट के अंदर इसकी FRP बाईपास हो चुकी होगी। तो इसमें कुछ टाइम लग रहा है, मैं आपको पहले चेक करा देता हूँ। पहले सैंपल से पता ही चल गया है, ऊपर सैंपल बता रहा है कि इसमें FRP लगा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं चेक करा देता हूँ क्या क्या प्रोसेस होते हैं, ठीक है। यहाँ से आप डोंट कॉपी करना है, ठीक है। डोंट कॉपी करने के बाद इसमें कुछ सेकंड लग रहा है चेकिंग प्रोसेस। अब ये देखिए, यहाँ पर वही पैटर्न मांग रहा है जो आप पैटर्न भूल चुके हैं, और नीचे जीमेल का ऑप्शन आ रहा है जो आप जीमेल भी भूल चुके हैं। आप पैटर्न भी भूल चुके हैं, जीमेल भी भूल चुके हैं, अब इसके आगे क्या करना है। तो अगर यहाँ पे पैटर्न आपको पता है तो डाल के आप सिंपल से उसे ऑन कर सकते हैं। अगर जीमेल पता है तो जीमेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे जीमेल डाल के अगर आगे बढ़ाएंगे तो आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे ना तो इसकी जीमेल पता है ना इसका पैटर्न पता है। अब देखिए सिंपल से करना क्या है, अब सारा खेल यहीं से शुरू होता है। अब वीडियो को स्किप मत करना, बैक करना है, बैक करना है, फिर बैक करना है, ठीक है। अगर आपने कोई वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कर रखा है तो उसे यहाँ से फॉरगेट कर दीजिए, डिसकनेक्ट कर दीजिए। अगर सिम डाल के रखी है तो सिम निकाल दीजिए। तो मैंने सिम डाल के रखी है तो मैं सिम निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए मैंने सिम निकाल दी है, अब करना क्या है, यहाँ से स्किप करना है। स्किप करने के बाद यहाँ चेक लगा के फिर से नेक्स्ट कर देना है, स्किप कर देना है, स्किप कर देना है यहाँ से, ठीक है। पूरा स्टेप देखिए, पूरा स्टेप देखिए, ठीक है। मोर करना है, मोर करने के बाद एक्सेप्ट कर देना है, ठीक है। जैसे ये एक्सेप्ट होता है, अब यहाँ पे पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है। आपको क्या करना है, एक पासवर्ड लगा लेना है। जैसे मैंने कोई पासवर्ड पैटर्न कोई भी लगा लेना है आपको, जो आपको ईजिली यहाँ पर याद हो सके, ठीक है। मैं यहाँ से गोइट कर देता हूँ, यहाँ से ये मैंने पासवर्ड लगा लिया है, ठीक है। आप कोई भी पासवर्ड लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही लगाइए, आपको जो अच्छा लगे। ये जो निशान आ रहा है इस पर आप क्लिक करते हैं, ठीक है। क्लिक करने के बाद फिर से क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें पासवर्ड लग चुका है, अब इसको लॉक करके पासवर्ड चेक कर सकते हैं इसमें पासवर्ड लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। तो मैं सिंपल से इसे चेक करता हूँ, देखता हूँ इसमें पासवर्ड लग चुका है, ठीक है। अब बैक करना है आपको, बैक करना है, फिर बैक करना है, सिंपल से बैक करना है। आपको क्या करना है, वही वाईफाई नेटवर्क को कनेक्ट कर लेना है। अगर वाईफाई नेटवर्क से नहीं करना है तो आप सिंपल से सिम डाल लेना है, ठीक है। यहाँ से मैंने सिम को इंटर कर दिया है। जैसे सिम इंटर करेंगे देखो हमारे फ़ोन में नेटवर्क आ जाएंगे। आप अपने वाईफाई को अगर कनेक्ट करते हैं तो वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से सिंपल से स्किप करना है, यहाँ पर चेक लगा के फिर से यहाँ पर नेक्स्ट करना है। यहाँ से डोंट कॉपी कर देना है,
ठीक है। अब यहाँ पे वही पासवर्ड डालना है जो मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले लगाया है। मैंने पासवर्ड ये लगाया था, आपने देखा था। मैं जैसे ही पासवर्ड लगाऊंगा, स्किप आरपी बाईपास हो चुकी है। अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपल से यहाँ पे स्किप का ऑप्शन आ जाएगा और स्किप आरपी बाईपास हो चुकी है पूरी तरीके से। देखिए, इसमें स्किप का ऑप्शन आ चुका है, आपको यहाँ से सिंपल से स्किप करना है। स्किप करके यहाँ से फिर स्किप कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको मोर पे जाना है, फिर से मोर पे जाना है, एक्सेप्ट करना है। सारा प्रोसेस आपको देखना है, सारा प्रोसेस कहीं भी मिस नहीं करना है। अगर एमआई का कोई भी फोन हो उसकी एफ आर पी बाईपास कर सकते हैं। अब ये कुछ एमआई अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से क्या करना है, स्किप करना है, ठीक है। स्किप करने के बाद फिर से स्किप कर देना है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट करना है, फिर से नेक्स्ट करना है। ये सेटअप कंप्लीट का ऑप्शन पर यहाँ से चेक कर देना है, ठीक है। इसमें कुछ टाइम लेगा, लगभग 1 से 1 से 1.5 मिनट का टाइम लेता है और इसकी एफ आर पी बाईपास पूरी तरीके से हो चुकी होती है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका एंड्रॉयड वर्जन क्या। बस हो चुकी है। मैं सिंपल से इसे सेटिंग पे जाता हूँ, सेटिंग पे जाने के बाद चेक करा देता हूँ, ठीक है, किसका एंड्रॉयड वर्जन कौन सा था। ऐसे गो इट करते हैं, ये देखिए एंड्रॉयड वर्जन 9 था। इसका एफ आर बी वाई इसलिए बाईपास हो चुका है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।